नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन में सभी अमेरिकी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धूमधाम से स्वागत किया और वहां पर लोगों के बीच खुशी देखने को मिली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय मूल के अमेरिकी राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वॉशिंगटन में स्वागत किया। इतना ही नहीं, अमेरिका में भारतीय मूल के रहने वाले 100 से भी अधिक लोग वहां मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में उन्होंने नारेबाजी भी की। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और वहां वो वहां के जितने भी मुख्य मंत्री या विधायक उन सभी लोगों से वो वहां पर मुलाकात करेंगे। अपने इस दौरे पर पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद क्वाड देशों के नेताओं से भी मिलेंगे। इस बात की जानकारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा है, मैं वॉशिंगटन पहुंच चुका हूं और यहां मैं सबसे पहले क्वाड देशों के नेताओं से मिलूंगा, जिसके बाद मैं व्हाइट हाउस जाकर वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलूंगा। साथ ही साथ जितने भी वार्ता है वो सभी द्विपक्षीय करने के बाद दोनों ही देशों के बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंचे, वहां पर 100 से भी अधिक समुदाय के लोग मौजूद थे, जिन्होंने उनके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ा। खास बात यह है कि जब प्रधानमंत्री वॉशिंगटन पहुंचे, उस वक्त एयरपोर्ट पर काफी तेजी से बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों में ये खुशी देखने को मिल रही थी कि भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंचे। यही वजह रही कि खुद प्रधानमंत्री भी उन लोगों के समक्ष अपने आप को नहीं रोक पाए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही देखा कि अमेरिका में भारतीय मूल के लोग, खास तौर पर अमेरिकी लोग, उनके स्वागत में नारेबाजी कर रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे थे, ऐसे में स्वयं प्रधानमंत्री भी खुद को नहीं रोक पाए और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर कुछ दूर तक पैदल ही चलते रहे। वॉशिंगटन पहुंचने के बाद अब आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री सबसे पहले क्वाड कंपनी के सीईओ से मिलेंगे और वहां मौजूद अलग अलग कंपनीज के सीईओ से बात करेंगे कि किस तरह से भारत में कंपनीज को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है और किस तरह से भारत में उद्योग को लेकर और भी विकास हो सकता है। इसके बाद 24 सितंबर यानी कि कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो पदभार जो बाइडेन ने संभाला है, इसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की आमने सामने वार्ता होगी। इतना ही नहीं, कोरोना काल के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ये पहली विदेश यात्रा होगी, जब इतने सालों के बाद वो लंबी विदेश यात्रा पर निकले हैं। साथ ही साथ भारत के जितने भी उद्योगपति हैं, उनके लिए भी ये खुशी की बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खास तौर पर विदेश में वहाँ के सीईओ से मिलने गए हैं और हो सकता है कि यहाँ के उद्योगपतियों के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है। जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द ही देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगी, ऐसे में देखना होगा कि आगे और किस तरह से रोजगार के अवसर मिलते हैं। और इन 3 दिवसीय वार्ता में नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच क्या कुछ वार्ता होती है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची।